मैसूर का उत्थान एवं पतन, इसमें टीपू सुल्तान के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज इस टीपू सुल्तान के बारे में आगे चर्चा कर रहे हैं। इसकी प्रारंभिक जीवनी देख लिया, मराठों के साथ संबंधों को देखा, आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा हो रही थी और इसमें त्रावणकोर पर देखा आक्रमण की स्थिति और श्रीरंगपट्टनम की संधि के पहले की स्थिति हमने देखा। अब बात करते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखने की है। अक्सर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनता रहता है, इसलिए इस संधि पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये संधि 23 मार्च 1792 ईस्वी को हुई थी। इस संधि में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच संधि हुई थी। इस संधि के अंतर्गत जो शर्तें रखी गई थी, उसमें एक शर्त थी जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण माने, कि मैसूर राज्य का आधा भूभाग टीपू अंग्रेज़ों को दे देगा। मालाबार, कुर्ग, बारा महल, यह अंग्रेज़ों को मिले। कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र हैदराबाद के निजाम को मिला और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र था वो मराठों को प्राप्त हुआ। यानी टीपू सुल्तान के भूभाग को, मैसूर के भूभाग को, विजित भूभाग को तीन भागों में बांट दिया गया। एक भाग अंग्रेज़ों को मिला कुर्ग बारा महल का, दूसरा निजाम को मिला कृष्णा के पास, और तीसरा मराठों को जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच था। दूसरी संधि में, संधि के दूसरे पार्ट में ये कहा गया कि हैदर अली के समय से जो पकड़े गए युद्धबंदी थे, जो अभी तक मुक्त नहीं हुए थे, टीपू सुल्तान उनसे छोड़ देगा। तीसरी बात ये कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू सुल्तान 30,00,000 पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा और चौथी बात कि टीपू सुल्तान अपने दो पुत्रों को मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिक, मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिक को अंग्रेज़ों के पास अमानत के रूप में रखना स्वीकार करेगा। जब तक यह सब नहीं हो जाता, संधि लागू नहीं हो जाती, तब तक उसके पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। यह जो संधि हुई पूरी तरह से टीपू के खिलाफ थी, फिर भी अंग्रेज़ों ने कार्नवालिस को कहा कि आपने टीपू को कुचला नहीं, पूरी तरह नष्ट नहीं किया, ये आपने गलत किया, बीच में बंद कर दिया। फिर कार्नवालिस ने अपनी सफाई दी कि हमारी सेना की स्थिति क्या थी, खाद्य आपूर्ति की स्थिति क्या थी, मौसम की स्थिति क्या थी जिसके कारण हमें युद्ध रोकना पड़ा। अब देखें तो इस युद्ध में और इस संधि में मैसूर बर्बाद सा हो गया। 30,00,000 पाउंड
देना जो एक असंभव सा लग रहा था, उतना बड़ा लाद दिया गया, विशाल सेना का खर्च। और दूसरा, इसके राज्य को भी बहुत ज़्यादा विभाजित कर दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया, बहुत सारे चार भाग में एक तरह से कहें बट गया। थोड़ा सा क्षेत्र इसके हाथ में रहा, कुछ मराठे लिए, कुछ निजाम लिए, कुछ अंग्रेज़ लिए। यह है श्रीरंगपट्टनम की संधि, थोड़े समय के लिए एक शांति बनी, लेकिन निश्चित तौर पर टीपू के मन में क्रोधाग्नि या अपमान की अग्नि दौड़ रही थी, जिससे अगले युद्ध होने में कोई संदेह नहीं रह गया। बात करते हैं आगे, जब कार्नवलिस यह श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, उसके बाद उसे वापस बुलाया जाता है, उसके जगह पर सर जॉन सोर को गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। इसने कुछ भी नहीं किया टीपू के खिलाफ। 1798 में सर जॉन सोर के बाद बेलेजली आया। बेलेजली जो गवर्नर जनरल बन के आया, यह साम्राज्य विस्तार की नीति चाहता था और यह टीपू से युद्ध करना चाहता था। इसलिए चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होना संभव हो गया। इसके कुछ कारण बताएं तो सबसे पहला कारण यही है कि टीपू अपनी शक्ति की वृद्धि कर रहा था और अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि टीपू शक्तिशाली बने और युद्ध के संसाधन जुटाए। दूसरी बात, टीपू ने सुदृढ़ किलों का निर्माण करवाया, जिससे अपने दुर्ग के माध्यम से युद्ध अच्छे से किया जाए अंग्रेजों के विरुद्ध। यह भी अंग्रेज नहीं चाहते थे, कभी चाहेंगे ही नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि हमारे विरुद्ध कौन तैयारी कर ले। टीपू ने विदेशी शक्तियों से सहायता लेना प्रारंभ कर दिया, अफगानिस्तान के जमान शाह से पत्र व्यवहार किया, कुस्तुनतुनिया और फ्रांस अपने दूत भेजे। बेलेजली जिस जहाज से भारत आया था, उसी जहाज से टीपू का राजदूत भी फ्रांस से सहायता की बात करके लौटा था, जो टीपू के विदेशी संबंध अंग्रेजों के लिए सहनीय थे। अंग्रेज भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को नहीं बढ़ना चाहते थे, देखना चाहते थे, फ्रांसीसियों को भी वो रोकना चाहते थे और इस समय फ्रांसीसी जो लोग थे वे भारत के तीनों शक्तियों को सैनिक प्रशिक्षण दे रहे थे। टीपू ने पेरिन नामक एक फ्रेंच अधिकारी को अपनी सेना में नियुक्त कर लिया था, इससे भी अंग्रेजों को भय हुआ, संताप हुआ, ज्वेलसी हुई। यूरोप की स्थिति देखें तो नेपोलियन की शक्ति बढ़ी थी और वो भारत की तरफ बढ़ रहा था, मिस्र आ चुका था और वो सोचता था कि टीपू नेपोलियन से कहीं संबंध बना लिया तो अंग्रेजों के लिए खतरा हो जाएगा।
टीपू लगभग 99 फ्रांसीसी अधिकारियों को अपने राज्य में सम्मानित किया था और इसी सम्मान को देख करके बेलेज़ली ने लिखा 12 अगस्त 1798 को कि टीपू के राज्य में फ्रांसीसी अधिकारियों का सम्मान एक स्पष्ट, असंदिग्ध और निश्चित युद्ध की घोषणा के समान है। अब कार्नवालिस की तरह बेलेज़ली ने भी हैदराबाद के निजाम, मराठे, इन सब से संधि करके त्रिगुट बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से 1798 में सहायक संधि की और इसके बाद पेशवा से, मराठों से अर्थात इसने सहायक संधि स्वीकार की। पेशवा ने इनसे भी संधि कर ली और इस बात को अपने यहाँ की संचालक समिति से स्वीकार भी करवा ली, अनुमोदित भी करवा ली कि हमने जो संधि की है सही है। संचालक समिति ने कहा ठीक है, अगर फ्रांसीसियों को समाप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हो तो ठीक है। यह सब होने के बाद बेलेज़ली ने 8 नवंबर 1798 को टीपू को एक पत्र लिखा और कहा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि का वह उल्लंघन कर रहा है और मैं मेजर डोवटन को भेज रहा हूँ जिससे दोनों पक्ष बात कर सकें। लेकिन टीपू ने जो पत्र पाया उसका कोई उत्तर नहीं दिया तो बेलेज़ली ने दूसरा पत्र लिख करके कहा कि उसने उत्तर नहीं दिया तो यह युद्ध की तैयारी माना जाएगा। और बेलेज़ली ने टीपू के विरुद्ध फरवरी 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा के साथ ही बेलेज़ली ने जनरल हैरिस के नेतृत्व में एक सेना भेज दी जिसमें हैदराबाद के निजाम की भी सेना थी। एक सेना अपने भाई आर्थर बेलेज़ली को हैरिस की सहायक के रूप में भेजा, यानी ध्यान रखना है आर्थर बेलेज़ली उसका भाई है बेलेज़ली का, जनरल बेलेज़ली, जो बेलेज़ली है, ये चीज़ ध्यान रखने का है। बेलेज़ली दो है, एक है जो गवर्नर जनरल है, दूसरा है जो सैनिक सहायता करने वाला है, जो सेना का संचालन कर रहा है। बेलेज़ली ने एक सेना और स्टुअर्ट के नेतृत्व में भेज दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने टीपू को 5 मार्च 1799 को, 5 मार्च 1799 को सिद्धेश्वर और 27 मार्च 1799 को मल्लावली नामक स्थानों पर पराजित किया। सिद्धेश्वर और मल्लावली, इसके बाद श्रीरंगपट्टनम को घेर लेते हैं 7 अप्रैल को। 14 अप्रैल को बम्बई की सेना जनरल
हेरिस से मिल गई और टीपू की स्थिति अब और ख़राब हो गई। हेरिस ने संधि के लिए 3 शर्तें लिख करके भेज दी टीपू के पास। श्री रंगपट्टनम में जो राजधानी थी, जहाँ पर टीपू था, वहाँ भेजा कि टीपू अपना आधा भूभाग समर्पित कर दे और 6 महीने के अंदर 20,00,000 पाउंड अंग्रेज़ों को दे दे और टीपू अपने 2 बड़े पुत्रों और 4 बड़े अधिकारियों को अमानत के रूप में अंग्रेज़ों के पास रख दे। यह श्रीरंगपट्टनम में स्थित टीपू के पास भेजा गया 3 शर्तें, यानी आधा राज्य, 20,00,000 पाउंड, 2 पुत्र और 4 वरिष्ठ अधिकारी को अंग्रेज़ों को देना। टीपू ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। स्वाभाविक था, युद्ध होना था। अंग्रेज़ों ने किले पर आक्रमण की, दीवारें तोड़ दी। यूरोपीय सैनिक, अंग्रेज़ों के सैनिक किले में घुसे और टीपू की रत्न जड़ित म्यान को छीनने का प्रयास किया। टीपू लड़ता रहा, बहुत सारे घाव उसको हो चुके थे। उसने बंदूक से गोली चलाई जो टीपू के सिर में लग गई और 5 मई 1799 को टीपू मारा गया। टीपू के मरते ही श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। यह निर्णायक विजय हुई। जैसा कि उस समय एक सामान्य स्थिति हो चुकी थी, जीते हुए शहर को लूट लिया जाए, आग लगा दी जाए, ये सब प्रारंभ हो गया। पुस्तकालय जला दिए गए, ग्रंथों को नष्ट किया गया और आर्थर वेलेजली, जो सेना लेकर गया था, वेलेजली का भाई, 12,000 पाउंड के जवाहरात, 7,000 पाउंड नकद उसे मिले। हेरिस और उसके अन्य 6 अधिकारियों ने बहुत अधिक लूटपाट की। इस लूटपाट की निंदा स्वयं अंग्रेज़ों ने भी की और संचालक समिति ने बेलेजली को 1,00,000 पाउंड स्वीकृत किए थे, किंतु बेलेजली ने इसे लेने से इनकार कर दिया। संचालक समिति ने निर्णय लिया कि बेलेजली को 20 वर्षों तक 5,000 पाउंड प्रतिवर्ष दिए जाते रहेंगे। यह उसे पुरस्कृत करने का ढंग था। अब अगर कहें मैसूर की समीक्षा की बात करें तो यह एक तरह से मैसूर समाप्त प्राय हो गया था और अब मैसूर में बहुत कुछ नहीं रहा। अब इसकी समीक्षा अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए भी यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।